हेलो दोस्तों, ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं ठंडी ठंडी बोल रही हूँ। ठंडी है तो गर्म गर्म बोलना चाहिए कि ठंडी ना लगे, और मैं ठंडी ठंडी बोल रही हूँ तो बात नहीं। तो आप लोग बताइए किधर किधर ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आप लोग के इधर ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं, देख रहे हैं धुंधला धुंधला सा पूरा है। ऐसे लग रहा है सुबह के 4 बज रहे हैं, इसी तरह अंधेरा किया हुआ है। यहाँ पे ही ज्योति इसलिए है क्योंकि लाइट जल रही है। और इस ठंडी में पता है मेरे को मेरे गांव याद आती है, क्योंकि ठंडी में मैं अपने गांव में बहुत मस्ती करते थे, जाते थे, खेलते थे, कूदते थे और पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा याद आती है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के हम जाते हैं कोचिंग करने। 5 बजे का कोचिंग था। सुबह जाते थे साइकिल से, मुंह और सब कुछ बांध लेते थे, कहीं हवा नहीं लगता था हमें, और चले जाते थे। आते थे 7 बजे और जाते थे यहाँ बाद साग खोदने के लिए खेते में। तो माचिस उसे सब लेके जाते थे, आगे वो जलाते थे, तापते थे, यहीं पर खूब मस्ती दौड़ते थे भी कि गर्मी लगे, गर्मी बढ़े इसलिए दौड़ लगाते थे। चलिए आप लोगों को ठंडी दिखाते हैं, लेकिन कितना कोहरा लगा हुआ है, अंधेरा अंधेरा है पूरा। इतनी ठंडी है, ठंडी में कौन कौन नहीं नहाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हम भी कभी कभी नहीं नहाते हैं, सब ठंडी में किसी किसी को मन करता है ना नहाऊं तो नहीं नहाते हैं। और ठंडी में किन लोगों को ज़्यादा सबसे डर लगता है, ठंडी में ठंडी से किन लोगों को डर लगता है ज़रूर बताइए। और किस गाँव में आप अपना गांव का नाम और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे इधर ठंडी पड़ रही है या ना पड़ रही है, बताइए कमेंट में। और हाँ, आप लोगों को पता है बस यह पानी छूइए आप लोग कैसा लगता है, ऐसे लग रहा है करंट लग रहा है बस यह पानी छूने पे। ऐसे ताज़ा ताज़ा पानी चलाते हैं तो गर्म लगता है, लेकिन बस यह छूने पर ऐसे लगता है करंट लग रहा है। बिस्तर पकड़ के रहने वाला दिन आया है, तो कौन कौन बिस्तर किस किस को छोड़ने का मन नहीं करता है बताइएगा ज़रूर। ठंडी में मन करता है कि कंबल में घुसी रहो, कोई हमें डिस्टर्ब ना करो, और कंबल के अंदर मोबाइल चलाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाय, अब मैं नहीं बोलूँगी। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।